नई शिक्षक नियमावली पर सरकार, शिक्षक के अभ्यर्थी और शिक्षक संघ के बीच रार है। लेकिन सरकार के साथ भाकपा माले है, लेकिन भाकपा माले नई शिक्षक नियमावली के विरोध में। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बिहार विधानसभा में भाकपा माले के उपनेता सत्यदेव राम जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, सरकार क्यों नहीं बात मान रही? हम लोग शिक्षक के साथ हैं और जो नियमावली सरकार ने बनाई है वो नियमावली रहे, मगर जो TAT शिक्षकों ने कर गया है उन लोगों को छोड़कर के नई वैकेंसी में नियम को लागू करें, और जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि एक स्वाभाविक लगता है कि जो 15 बरिस 16 बरिस से पढ़ा रहे हैं अब उनको एग्जाम लेना, उनसे एग्जाम लेना, ये हम लोगों को अनुचित लगता है। अब क्या करेंगे? हम इस सवाल पर सरकार से बात करेंगे, बात चल रही है और आगे भी बात हम करते रहेंगे। मंत्री से मुलाकात होगी आप लोगों की? एकदम होगी और संभवतः आज ही होगी। हम लोग इस पर बात करने के कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग शिक्षकों के लिए हम इस नई नियमावली को ये पुराने शिक्षकों पर लागू करने का विरोध करते हैं। खुलेआम, वो खुलेआम सरेआम या वार्तालाप हर तरह से हर जगह इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की नीति रही है कि हम जनता के पक्ष में काम करेंगे, जनता के सवाल को हम हमेशा सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार पर दबाव भी डालेंगे कि आप इस समस्या का समाधान करें। तो हमारा ये नीति है, आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जनता और सरकार के बीच में जो दूरी है, खाई है, हम उसमें पुल का काम करेंगे, हम अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से निभाएंगे। देखिए, हमारे साथ उपनेता सत्यदेव राम जी आज स्पष्ट तौर पर कृषि से खास बातचीत में कहा कि सदन और सड़क पर विरोध होगा, हम सरकार के साथ जरूर हैं लेकिन सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं हम उनका विरोध करेंगे। और इन्होंने एक और बात संकेत दिया, हो सकता है इस पूरे मामले पर आज ही मुख्यमंत्री से इन लोगों की मुलाकात भी होगी। और इन लोगों का कहना है कि इसी परिस्थिति में जो पहले से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको राजकर्मी का दर्जा सीधे दिया जाए, वो परीक्षा नहीं लेंगे, उन पर नई नियमावली नहीं थोपा जाए। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि माले बिल्कुल इस नियमावली के विरोध में है, और अब तो घोषणा भी इन्होंने किया है कि सड़क सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गुबालम कशिश न्यूज पटना।